ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल। नमस्कार, कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि इंसान जब मन में एक ठान लेता है कि उसने कुछ कर गुजरना है तो कोई भी मुश्किल जो है फिर उसका रास्ता नहीं रोक पाती, कुछ न कुछ समाधान निकल ही आते हैं। मन में चाह होनी चाहिए, बस ऐसी ही कुछ चाह थी, ऐसा ही कुछ विश्वास था हमारे देशवासियों में कि हमें लड़ना है, भिड़ना है और इस कोरोना को खत्म कर देना है। कोरोना को लगभग हम खत्म ही कर रहे थे कि एक नया वेरिएंट सामने आ गया, चिंताएं फिर बढ़ने लगी और कहीं ऐसा लग रहा था कि ये जो वेरिएंट है कहीं और ज्यादा दर्दनाक ना हो जाए और ज्यादा फैल ना हो जाए। लेकिन जहां तक आज की स्थिति है तो देश भर में ओमिक्रॉन के सिर्फ 25 रोगियों की पहचान की गई है और इन सभी के जो लक्षण हैं वो बहुत हल्के हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोरोना का जो व्यवहार है, कोरोना का एप्रोप्रिएट बिहेवियर है जो हम अब तक अपना रहे थे उसको भूल जाएं और फिर स्वच्छंद हो जाएं और आमंत्रित कर दें कोरोना के इस नए वेरिएंट को हम पर हावी होने के लिए। बहरहाल बहुत से सवाल हैं जो अब कोरोना से जुड़े हुए हैं, बहुत से सवालों का जो जवाब है वो हम अब तक आपको दे चुके हैं। फिर भी मन में कुछ जिज्ञासाएं हैं देशभर के श्रोताओं में और वो लगातार हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से फोन करते हैं और जानना चाहते हैं अपने सवालों के जवाब, अपनी जिज्ञासाओं को शांत करना चाहते हैं। इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ होते हैं जो आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं, आपसे जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं कोरोना और उसके बाद की उसका जवाब देते हैं, उनको शांत करते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर अपर्णा हैं। डॉक्टर अपर्णा, स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर अपर्णा, जिस तरह से कोरोना की पहचान हुई, फिर कोरोना से हम लड़े भिड़े, उसे काफी हद तक काबू पा लिया, ओमिक्रॉन जो है अब वो अपने पैर पसार रहा है, हालांकि रफ्तार बहुत बहुत धीरे है, क्या ये घातक हो सकता है? क्या ये जो डेल्टा वेरिएंट जिसे हमने झेला है, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने झेला है, उससे ज्यादा घातक है? कार्यक्रम की शुरुआत आज हम यहां से करते हैं। जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं अभी काफी अर्ली है ये कहने के लिए कि ये कैसे बिहेव करेगा, लेकिन जो इनिशियल रिपोर्ट साउथ अफ्रीका से आ रही हैं और इंडिया में भी जितने लोग इससे ग्रसित हुए हैं सबकी यही रिपोर्ट है कि ये काफी माइल्ड वेरिएंट है। इन्फेक्टिविटी ज्यादा है तो ट्रांसमिशन ज्यादा होती है लेकिन सिवियरिटी कम है। इसमें हॉस्पिटल में जितने भी लोग एडमिट हुए हैं, कईयों को इंडिया में तो जिनका ओमिक्रॉन पॉजिटिव आता है उनको एडमिट कर रहे हैं अभी आइसोलेट करने के लिए। बाकी कंट्रीज में जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं वो ये कह रही हैं कि मोस्टली लोग इंसिडेंटली डिटेक्ट हो रहे हैं, मतलब अस्पताल में और बीमारियों से दाखिल हुए हैं जिनमें टेस्टिंग करने से ये पता चल रहा है कि वो कोविड पॉजिटिव है। जी, क्योंकि कोविड रिलेटेड सिम्टम्स कम है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत कम है, आईसीयू एडमिशन्स इसके लिए बहुत कम है जो कोविड के लिए, बाकी और बीमारी जो है उसकी वजह से लोगों की एडमिशन है। डेथ्स भी जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं साउथ अफ्रीका में वो इन पेशेंट्स में कोविड इंसिडेंटल है और डेथ्स दूसरी बीमारियों की वजह से हैं जिनमें हुई हैं। जी डॉक्टर अपर्णा, कोविड-19 में हमने जो बिहेवियर अपनाया था कोरोना से निपटने के लिए, क्या उससे अब कुछ अलग करने की जरूरत है या वही सब सावधानियां हमें बरतनी होंगी ओमिक्रॉन से निपटने के लिए? वही सब सावधानियां बरतनी है, उसमें कोई चेंज नहीं है। जो भी स्ट्रेन्स म्यूटेट हो रहे हैं, नए स्ट्रेन्स जो आ रहे हैं, सावधानियां बिल्कुल सेम है। जी डॉक्टर अपर्णा, एक बात हम यहां से जानना चाहेंगे कि ये जो मास्क हम अब तक पहन रहे थे कोरोना से निपटने के लिए, अब ओमिक्रॉन से निपटने के लिए भी उन्हीं मास्क से काम चल सकता है या कुछ हमें विशेष तरह के कोई मास्क की जरूरत होगी, या जैसे डबल मास्क या ट्रिपल मास्क या फिर कोई और मास्क? इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है,
तो ट्रांसमिशन जाता है। तो ये है कि मास्क अगर बेटर क्वालिटी वाले पहने तो बेटर है। हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए N95 यूज करें, जो हम लोग कर रहे हैं। रिकमेंडेशन अभी भी यही है कि कोविड सबके लिए, जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको N95 यूज करना चाहिए। कोई ऐसे जो लोग हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिनमें कोमॉर्बिडिटीज हैं, वो बाहर जाएं तो बेटर है कि N95 यूज करें, ताकि ट्रांसमिशन कम हो। एक ये भी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोग इससे एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो ये पता नहीं चलेगा कि कोई छींकता हुआ नहीं मिलेगा, कोई खांसी करता हुआ शायद नहीं मिले, तो आपको नहीं पता कि किससे ट्रांसमिशन हो सकती है। तो डिस्टेंस मेंटेन करना, मास्क प्रॉपरली यूज करना, ये दो चीजें काफी जरूरी हैं। जी डॉक्टर, इससे जो लक्षण हैं, वो लक्षण क्या कोविड 19 से अलग हैं या इसके लक्षण वही हैं जो कि पहले भी हमने महसूस किए हैं? कुछ लक्षण सेम है, जैसे इसमें फीवर और बॉडी एक्स जो वायरल इलनेसेस में होता है, तो शरीर में दर्द, हेडेक, फीवर, ये सिम्टम्स ज्यादा आ रहे हैं। खांसी के सिम्टम कम है, ब्रेथलेसनेस के सिम्टम नहीं पाए जा रहे हैं इसमें अभी तक ज्यादा, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत कम है लोगों में। तो मेन सिम्टम्स जो इसमें है वो है फीवर, हेडेक, बॉडी एक्स, जो किसी भी वायरल इलनेस में होती है। डेंगू में भी ये मिलता है हमको, मलेरिया के पेशेंट्स में कुछ में हो सकता है, बॉडी एक्स उतने सीवियर नहीं होते लेकिन हो सकते हैं। कोविड में भी कई पेशेंट्स में फीवर तो होता ही था, हेडेक भी होता था, बॉडी एक्स भी कुछ पेशेंट्स में मिलता था। तो इसमें एक जो पहले स्पेशली डेल्टा वेरिएंट में और दूसरे वेरिएंट्स में एनोसमिया की शिकायत बाद में नोटिफाई हुई थी कि कोविड से हो रही है, इसमें अभी तक रिपोर्टेड नहीं है। डायरिया कुछ पेशेंट्स में हो रहा है, वेदर कोविड रिलेटेड है या ओमिक्रॉन रिलेटेड है, या पेशेंट्स वैसे एडमिट हुए डायरिया की वजह से, वो भी कहना मुश्किल है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में डायरिया है। बट मेन सिम्टम्स जो बताए हैं वो फीवर, हेडेक, बॉडी एक। जी डॉक्टर, हम इस पे चर्चा जारी रखेंगे। हमारे पहले श्रोता जो है राजस्थान से पप्पू मीना हमसे जुड़ चुके हैं अपने सवाल के साथ। पप्पू मीना जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर जी। नमस्कार। और डॉक्टर को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। मैं सर जी एक जानकारी चाहता हूँ। जी कहिए, पूछिए। जैसे सर हमारे गांव में दो जो वैक्सीन लगवा ले पर फिर भी लोग मास्क नहीं लगा रहे, तब बताओ इसमें कितना हुआ है, हमको सावधानी बताओ। डॉक्टर साहब, दो वैक्सीन लगाने के बाद अब लोग ये समझ रहे हैं कि हम कोरोना से पूरी तरह से सुरक्षित हो चुके हैं और कोरोना से बचने की जो सावधानियां हैं उनका बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर रहे हैं। ये कहां तक सही है आम जनता के लिए, आपके माध्यम से हम जानना चाहेंगे। ये बिल्कुल गलत है। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी अभी यही कहती हैं कि जब भी घर से बाहर निकलें आप मास्क लगाकर निकलें। तो वो गाइडलाइंस अभी भी वैलिड हैं अभी, बल्कि हमको इसका ज्यादा ख्याल करना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा बहुत सारे लोग जो ओमिक्रॉन वेरिएंट से ग्रसित हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं। एसिम्प्टोमेटिक में ना हम टेस्टिंग करते हैं और ना हमको पता चल सकता, आइडिया लग सकता है कि इससे हमको इन्फेक्शन हो सकती है, इसलिए हमको सावधानी सारे में हमेशा बरतनी है। जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगाना जरूरी है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन में वैक्सीन एफिकेसी कम हो जाती है, ओमिक्रॉन मतलब जो वैक्सीनेटेड है उनमें भी हो सकता है, इसको हम ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहते हैं, तो उनमें भी चांसेस हैं ओमिक्रॉन होने के, इसलिए हमको सावधानी जरूरी बरतनी है अगर बचना है तो। जी डॉक्टर, कोरोना जिन लोगों को हुआ था उनको कोरोना के बाद बहुत से पोस्ट कोविड जो है लक्षण, वो सिम्टम्स हैं, वो नजर आते हैं अलग अलग तरह की बीमारियों के। ऐसा ही एक मामला है जिसमें ऑक्सीजन चढ़ाई गई व्यक्ति को और अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, काम पर जा रहे हैं, लेकिन उनका गला जो है अब लगातार खराब रहता है और कभी कभी खराशें या खांसी होने लगती है। ऐसे में अब वो क्या करें और कब तक ये ठीक हो सकती है?
अभी कब तक ठीक हो सकती है वो कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक हम इसको स्टडी कर रहे हैं। लॉन्ग कोविड सिंड्रोम एक बोला गया है जिसमें कई लोगों को लंबे टाइम के लिए सिम्टम्स रह रहे हैं। कुछ को एनोसमिया है, कुछ को खांसी है, कुछ को गले में खराश है, कुछ को फीवर है, कुछ को वीकनेस फेटी जो बोलते हैं, कुछ को वो है। अब वो कई महीनों तक पाई गई है जी। एग्जैक्टली कितने महीने मैक्सिमम पीरियड है वो भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसको टर्मिनोलॉजी जो उसके लिए यूज कर रहे हैं वो लॉन्ग कोविड सिंड्रोम यूज कर रहे हैं। कुछ वायरल इलनेसेस में पहले भी पाया गया, जैसे हम सब चिकनगुनिया से वाकिफ हैं, चिकनगुनिया में जॉइंट पेन, जॉइंट स्वेलिंग कई महीनों तक रह सकती है जी। उसी प्रकार इसमें कुछ सिम्टम्स कई महीनों तक भी रह सकते हैं जी। हमारे अगले श्रोता हैं दिल्ली के मंगोलपुरी से रमेश कुमार जी। रमेश कुमार जी स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में, क्या जिज्ञासा है, क्या प्रश्न है? हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। नहीं सर। हाँ दो वैक्सीन लगवा दिया। हाँ जी। और तीसरी है कि जो बीमारी आ रही है जो कि क्या घातक हो जाए और डोज की लगवानी पड़ेगी जी। डॉक्टर साहब इनका सवाल कुछ इस तरह से है कि कोवैक्सीन की इन्होंने डोज लगा ली है और अब जब ये दूसरी डोज लगाने के लिए जाते हैं तो कितने वक्त बाद इन्हें डोज लगानी होगी? क्या वो कोवैक्सीन के अलावा दूसरी जो वैक्सीन है उसकी भी डोज लगवा सकते हैं क्या? अभी फिलहाल जो गवर्नमेंट रिकमेंडेशन है इंडिया में वो सेम वैक्सीन की ही सेकेंड डोज लगाने का है। बूस्टर में अभी तक गवर्नमेंट गाइडलाइंस नहीं आई है, उस पर परामर्श चल रहा है, सून हमको गाइडलाइंस आ जाएंगी और उसमें ये भी डिसाइड करेंगे कि बूस्टर डोज सेम वैक्सीन का लगेगा या दूसरे का भी लग सकता है। कई कंट्रीज ये बोल रही हैं कि जो बूस्टर डोज लगा रहे हैं वो अगर दूसरे वैक्सीन की हो तो आपके इम्यूनिटी ज्यादा बढ़ती है, प्रोटेक्शन ज्यादा मिलती है, लेकिन हमको गवर्नमेंट गाइडलाइंस की वेट करनी है जी। हमारे अगले श्रोता हैं दिल्ली से शोभा जी, आइए उनका प्रश्न सुनते हैं। शोभा जी कार्यक्रम में स्वागत है आपका। धन्यवाद। मेरा प्रश्न ये है कि जो ये ओमिक्रॉन चला हुआ है वेरिएंट कोविड के बाद, तो अब ये जो छोटे बच्चे हैं हमारे इनको फिर कैसे बचाएं क्योंकि इनके तो टीकाकरण भी नहीं हुआ है। डॉक्टर साहब ये बहुत ही व्यावहारिक सवाल है, बच्चों का टीकाकरण अभी नहीं आया है, कई स्थानों पर स्कूल खुल चुके हैं, अब एक नया वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन वो बहुत चिंता का विषय है और जिस तरह से सभी डॉक्टर कह रहे हैं कि बहुत तेजी से फैलता है, ऐसे में बच्चों को क्या सावधानियां हमें बरतवानी चाहिए ताकि वो इससे प्रभावित ना हो सके? हमको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ही फॉलो करना है जो डेढ़ साल तक फॉलो करते आए हैं, तो हमको वही फॉलो करना है। बच्चों में टीकाकरण के लिए परामर्श चल रहा है, सून उसकी गाइडलाइंस आ जाएंगी कि किस एज के बच्चों को देना है और किन किन को देना है, कैसे हम लोग उनको प्रायोरिटाइज करेंगे। लेकिन तब तक जो डेढ़ साल से करते आए हैं, डेढ़ पौने दो साल से करते आए हैं, वही आपको गाइडलाइंस फॉलो करनी है। सब स्कूल्स में ये है कि अभी जो बच्चों के स्कूल खुल गए हैं लेकिन अभी आधे बच्चे ही एक समय में स्कूल में आ रहे हैं ताकि वो डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सके। मास्क जरूरी है, हैंड हाइजीन जरूरी हमको करनी है जी। अगर बच्चे इन्फेक्ट हो भी जाते हैं तो ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि जो भी अभी इनिशियल रिपोर्ट्स हैं वो यही कह रही हैं कि ये फ्लू टाइप का ही है, बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं, ज्यादा सिम्टम्स नहीं है, तो घबराने वाली बात नहीं है। और डेल्टा वेरिएंट में जो इनिशियल कंट्री की रिपोर्ट है उसमें भारतवर्ष में 80% सीरो पॉजिटिविटी बच्चों में पाई गई है, मतलब काफी बच्चे ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हैं, तो हो सकता है उन्हें ऑलरेडी नेचुरल इम्यूनिटी आ गई हो जी। हमारे अगले श्रोता हैं दिल्ली के गांधीनगर से हमारे नियमित श्रोता धर्मवीर जी हैं। धर्मवीर जी कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो धर्मवीर जी, धर्मवीर जी कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नवीन जी नमस्कार। नमस्कार धर्मवीर जी, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसे कि ये वायरस जो है अपना रंग रूप बदल के आ रहा है बार बार,
क्या हमारे वैज्ञानिक भी तैयार हैं इस अपने वैक्सीन को और तरोताजा नए इसके पावर बढ़ाने के लिए नया एक्सपेरिमेंट कुछ हुआ है डॉक्टर साहब? ये वेरिएंट अभी आइडेंटिफाई हुआ है और सब वायरस होता है कि वायरस जैसे जैसे मल्टीप्लाई करते हैं उनमें म्यूटेशंस आती हैं। सारी म्यूटेशंस सिग्निफिकेंट नहीं होती हैं, कुछ म्यूटेशंस जो सिग्निफिकेंट होती हैं उनको हम वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न बोलते हैं, जिसमें ये है कि या तो वो इन्फेक्शन ज्यादा कॉज करती हैं जैसे ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा होती है या फिर सिवियरिटी ज्यादा होती है या फिर जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन ज्यादा कॉज करते हैं। तो ऐसे वेरिएंट या उनमें कोई नए सिम्टम्स आते हैं तो इनको हम बोलते हैं वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न। उनमें हमारा स्पेसिफिक इंटरेस्ट होता है क्योंकि वो इंसानों को जो अफेक्ट कर रही है डिजीज उसमें थोड़ा सा चेंज आता है। तो कब कौन सा वेरिएंट वेरिएंट ऑफ कंसर्न बनेगा, कब ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न सामने आएगा वो हम नहीं कह सकते। म्यूटेशन बहुत जगह हो सकती हैं तो वैज्ञानिक के पास कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि आप पहले से इस चीज के लिए प्रिपेयर होएं। ये आने के बाद ही आप उसके अगेंस्ट वैक्सीन बना सकते हैं। दवाई पर काफी रिसर्च चल रही है, अभी 2-3 नई पिल्स आई हैं जो टेस्ट होनी है, लैब में रिसर्च एरिया में टेस्ट हो गई हैं, लेकिन अभी जनरल पॉपुलेशन में टेस्ट होनी है क्योंकि एफिकेसी कितनी होगी। जहां तक वैक्सीन बनाने का सवाल है, वैक्सीन बनाने में टाइम लगता है, जैसे नए वेरिएंट्स आए उनके अगेंस्ट वैक्सीन बनाने में और टाइम लगेगा। वी कैनॉट बी प्रिपेयर्ड विद अ वैक्सीन इन एंटिसिपेशन ऑफ अ वेरिएंट जिसका हमको आइडिया नहीं है कि किस जगह म्यूटेशन में कौन सा वेरिएंट कंसर्न वाला बन जाएगा। जी डॉक्टर, इस वेरिएंट के साथ, इस कोरोना के साथ, इस महामारी के साथ हमें कब तक रहना होगा? जिस तरह से अगर हम बात करें स्पैनिश फ्लू की बात करें, लगभग 2 साल तक अगर हम लिटरेचर की बात करें जहां तक हमने पढ़ा है, 2 या 3 साल तक स्पैनिश फ्लू के साथ विश्व को जीना पड़ा था और अपने आप ही धीरे धीरे वो खत्म हो गया था। क्या कोरोना के साथ भी ऐसा ही होगा या इसको खत्म करने के लिए हमें कुछ और लड़ाई लड़नी होगी? अभी एक व्यू प्वाइंट ये चल रहा है जैसे जैसे डिजीज फैलती है विथ टाइम उसकी सिवियरिटी कम होती है बिफोर इट बिकम्स एंडेमिक और नॉर्मल बाकी बीमारियों की तरह हो जाती है। तो वन व्यू प्वाइंट ये है कि अभी ओमिक्रॉन जैसे हम बोल रहे हैं कि इट इज मोर ट्रांसमिसिबल बट लेस सिवियर, माइल्डर है। तो ये नॉर्मल फ्लू टाइप का है। तो वन सेट ऑफ साइंटिस्ट रिसर्चर्स उनका ये कहना है कि होपफुली विद इन 6 to 7 months ये सारे में फैल जाएगा, सब लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे, हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी और ये इसकी सिवियरिटी और कम होती जाएगी एंड इट विल बिकम लाइक अ नॉर्मल फ्लू। तो मे बी बाय मिड नेक्स्ट ईयर वी मे हैव दैट सिचुएशन। डॉक्टर, वी हैव टॉक्ड अबाउट द हर्ड इम्यूनिटी, कैन यू एक्सप्लेन इट, हर्ड इम्यूनिटी क्या है और अब तक क्यों नहीं आई है? क्योंकि अब तो इन्फेक्शन भी लगभग काफी लोगों में हुआ था, वैक्सीनेशन भी हो गया, तो क्या अब हम उस स्थिति में आ चुके हैं कि हर्ड इम्यूनिटी आ गई है? हाँ, शायद आ चुके हैं हम लोग, तभी ये वायरस उतने उससे फैल नहीं रहा है। क्योंकि जैसे इसका बोल रहे हैं कि ट्रांसमिसिबिलिटी मेनी टाइम्स डेल्टा वेरियंट है, टाइम्स डेल्टा वेरिएंट। अभी इंडिया में जैसे कुछ दिनों में अभी हमारे 32-33 केसेस हैं, लेकिन उनके कांटेक्ट में जितने लोग आ रहे हैं उनमें सब में इन्फेक्शन नहीं हो रही है। इसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी, जब आपके इन्फेक्शन हुई लेकिन वायरस को और उतने नंबर नहीं मिल रहे हैं जिसको वो इन्फेक्ट कर सके because of immunity in the people around that one patient. तो अगर हम transmissibility बोलते हैं कि अगर वो 4 times, 5 times जो R not की हम बात करते हैं, मतलब कि एक patient
पांच से दस लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है अगर हम ये बोले. तो अगर मैं सपोजिंग मैं इंडेक्स पेशेंट हूं और मेरे इर्द गिर्द दस लोगों में से सात को आठ को इन्फेक्शन हो चुका है, मतलब लाइकलीहुड सिर्फ और दो पेशेंट्स को इन्फेक्शन कैच करने की है. या अगर नौ लोगों को हो चुका है तो सिर्फ एक कैच कर सकता है जी, मतलब कि वायरस की आगे की ट्रांसमिशन कम हो गई. वो एक भी अगर डिस्टेंस पर है सब विद प्रॉपर प्रिकॉशंस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मेंटेन किया हुआ तो उसमें भी इन्फेक्शन आगे नहीं फैलेगी जी. मतलब मेरे से एंड हो जाएगा वो इन्फेक्शन इन वन पेशेंट जी. तो दिस इज कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी वेयर इट कैनॉट स्प्रेड टू द एक्सटेंट दैट इट इज लायबल टू इन people without immunity. Okay. And populations without immunity. Right. Our next caller is Delhi se Rohit Kanojia ji hain. Rohit ji, swagat hai aapka. Namaskar. Namaskar Rohit ji. Kya prashn hai aapka Rohit ji? Mera prashn bahut hi matlab sadharan sa hai. Matlab main jahan rehta hu wahan mere sath kuch mere parents wagaira rehte hain aur kuch mere dada-dadi jo hain wo aged hain. तो उनके मन में एक शंका है और मेरे मन में एक शंका है कि जो ये नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन कोरोना का, तो इससे जो बंदों ने मतलब पहली वैक्सीन लगवा चुके हैं और दूसरी वैक्सीन भी लगवा चुके हैं, क्या उनसे मतलब उनको कुछ खतरा है या उनको आगे के लिए कुछ प्रिपेयर करना चाहिए जी? डॉक्टर, बहुत ही व्यावहारिक सवाल है. दोनों वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं, तो अब ये जानना चाहते हैं कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी क्या ओमिक्रॉन से खतरा बना हुआ है, और अगर बना हुआ है तो कितना प्रतिशत या कितने परसेंट ये अफेक्ट हो सकते हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है? खतरा ओमिक्रॉन में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं, ये फैक्ट है. तभी बोल रहे हैं कि शायद ये इम्यूनिटी इवेट करता है. लेकिन दोनों वैक्सीन अगर लगे हुए, दोनों डोजेज अगर लगे हुए हैं, तो आप डेफिनेटली काफी हद तक प्रोटेक्टेड हैं. इट इज टू अर्ली टू से कि कितने परसेंट चांसेस आपके इन्फेक्शन के, लेकिन ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन रिपोर्ट हुए हैं. बट सब हॉस्पिटल्स की, सब जगह की, साउथ अफ्रीका से जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो सब ये हैं कि वैक्सीनेटेड लोगों में इन्फेक्शन रेट काफी कम है एज अपोज टू नॉन वैक्सीनेटेड. मिल नहीं है तो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो रहे हैं लेकिन कम हो रहे हैं. सेकेंड, मेजोरिटी ऑफ देम आर एसिम्प्टोमेटिक, तो इनमें सिम्टम्स और भी कम हो रहे हैं एज कम्पेयर टू अनवैक्सीनेटेड. कई जगह से रिपोर्ट्स हैं कि जो वैक्सीनेटेड लोगों में अगर इन्फेक्शन हो रही है वो दो तीन दिन में ही माइनर सिम्टम रह करके खत्म हो जाती है जी. डॉक्टर, अगर कोई व्यक्ति ओमिक्रॉन से पीड़ित हो जाता है और उसे इनिशियल तौर पर मामूली सा बुखार आता है, तो फिर उसका जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर है वो क्या रहेगा? बुखार की ही दवाई लेनी होगी या किसी और का, अगर उससे पेट खराब हो जाता है तो उसको पेट की दवाई लेनी होगी या कुछ विशेष तरह की दवाइयां लेनी होगी? नहीं, बिल्कुल सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की जरूरत है. बुखार के लिए बुखार की दवाई, अगर पेट खराब हुआ तो उसकी दवाई, और किसी चीज की जरूरत नहीं है. बाकी मास्किंग, आइसोलेशन वो जरूरी है, उसको मेंटेन करना, हैंड हाइजीन वो मेंटेन करना जी. है. गोरखपुर चलते हैं, सतीश कुमार जी का प्रश्न सुनते हैं, क्या जानना चाहते हैं. हेलो जी. सतीश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में. नमस्कार सिद्धार्थ जी और डॉक्टर अपर्णा को भी मेरा नमस्कार जी. क्या जी, कहिए जी. मेरा सवाल एक था, तो सबसे पहले मैं डॉक्टर अपर्णा को धन्यवाद करूंगा कि रातों दिन मेहनत करके ये 100 करोड़ से ऊपर टीके लगवाए, इसलिए डॉक्टर अपर्णा को मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा. थैंक यू. तो डॉक्टर अपर्णा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यदि वैक्सीन की जो पहली डोज लगती है तो क्यों शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां आने लगती हैं और वही सेकेंड डोज लगने पर ऐसी कुछ नहीं होती है? जी. और एक सवाल मेरा और है कि मैं दृष्टिबाधित व्यक्ति हूँ और मेरे लिए सरकार की क्या तो मतलब वो है कि घर आने के, मतलब घर आकर वैक्सीन लगवाने का कोई ऐसा वो है क्या? जी जी.
डॉक्टर अपर्णा, पहला प्रश्न इनका यही है कि जब कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाते हैं तो कई व्यक्तियों को बुखार आ जाता है, लेकिन सेकेंड डोज लगाने के बाद किसी भी तरह का कोई फीवर नहीं होता, ऐसा क्यों होता है? नहीं, ये ऐसा जरूरी नहीं है. कई लोगों को फर्स्ट डोज में कोई सिम्टम नहीं हुए, सेकेंड डोज में ज्यादा हुए हैं. कुछ को फर्स्ट डोज में हुए हैं, सेकेंड में नहीं हुए हैं. जी. तो ये इस पर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी इम्यून रिएक्शन कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है उसको. तो उसके ऊपर डिपेंड करता है. इसमें ऐसा कोई ये नहीं है कि फर्स्ट में हो रहे हैं, सेकेंड में नहीं हो रहे हैं. बाकी फर्स्ट के बाद में भी आपकी बॉडी में कुछ परसेंट इम्यूनिटी आ जाती है 2 to 3 weeks आफ्टर द फर्स्ट शॉट. जी. जो इम्यूनिटी और बढ़ती है आफ्टर द सेकेंड. डॉक्टर, का दूसरा सवाल था कि ये दृष्टि बाधित हैं और कहते हैं कि सरकार ने ऐसे कुछ इंतजाम किए हैं कि इनको जो टीका लगवाया जा सके, तो शायद हर घर दस्तक अभियान जो सरकार का है उसकी कामयाबी ही यही है कि घर घर जाकर अब टीका लगाना है. हाँ जी. जी. तो अभी घर घर जाकर के लगा रहे हैं ऐसे लोगों के लिए जो नहीं जा सकते कहीं. जी. नहीं तो आपके घर के पास में जो भी सेंटर है, कोई अगर आपके साथ में है घर में जो आपको ले जा सके, तो वहां पे आप जाके बिल्कुल लगवा लीजिए. नहीं तो फिर वेट करिए. अगर आप इन्फॉर्म कर देंगे अपने पास वाले डिस्पेंसरी में या हेल्थ अथॉरिटीज को, गवर्नमेंट को, तो मेरे ख्याल से आपका टीका शायद जल्दी लग जाए. जी. डॉक्टर, लोगों में अभी भी थोड़ा सा संदेह, थोड़ा सा संशय बना हुआ है कि कोरोना तो बिल्कुल चला गया, ओमिक्रॉन इतना इन्फेक्टेड है नहीं, इनसे कुछ होने वाला नहीं है, तो क्या अब मुझे दूसरी डोज लगवा लेनी चाहिए या छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल लगवानी चाहिए दूसरी डोज. जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो डबल डोज जिनको लग गई है उसमें सीवियरिटी भी कम है और चांसेस ऑफ इन्फेक्शन भी कम है. जी. तो आपको बिल्कुल लगवाना चाहिए. और ये सिर्फ आपकी प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, आपके घर में और ऐसे लोग होंगे आपके साथ रहने वाले जो कोमॉर्बिडिटीज वाले होंगे या एल्डरली पेरेंट्स होंगे, दादा दादी होंगे. अगर आपको इन्फेक्शन हुई, आपको माइल्ड हुई, हो सकता है उनमें थोड़ी ज्यादा सीवियर हो, तो आपको न सिर्फ अपने प्रोटेक्शन के लिए बल्कि अपने साथ वालों की प्रोटेक्शन के लिए भी जी आपको दूसरी डोज जरूर लगवानी चाहिए. हमारे अगले श्रोता है इंद्रभान सिंह जी. इंद्रभान सिंह जी, स्वागत है आपका. बहुत संक्षेप में अपना प्रश्न पूछेगा, वक्त बहुत कम है. जी. उत्तर प्रदेश से आने वाले अधिक से अधिक यात्रियों की क्या रोजाना जांच हो रही है? जी. डॉक्टर, ये जानना चाहते हैं कि ओमिक्रॉन को लेकर जो रोजाना जांच सरकार कर रही है और ज्यादा से ज्यादा हमने जांच के जो है दायरा बढ़ाया है, इससे हमें कहां तक हमें फायदा होगा? जितनी ज्यादा जांच होगी उतनी पॉजिटिविटी रेट मिलेगा, तो उसमें आइसोलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जैसे सिम्टम्स बोल रहे हैं कि कम है, लेकिन अगर आप किसी के भी कांटेक्ट में आए हैं जिनको कोविड है, तो बिल्कुल अपनी जांच करवाइए, क्योंकि तभी पता चलेगा. अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप आइसोलेट कर सकते हैं ताकि बीमारी आगे किसी और को फैले नहीं. जी. और टेस्टिंग गवर्नमेंट ने भी इंक्रीज कर दी है. सब जगह पैसेंजर्स जो भी आ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, उनकी टेस्टिंग अनिवार्य कर दी गई है. जी. तो इसलिए आपको अगर कोई भी सिम्टम है, बुखार लगता है, बिल्कुल जांच करवाइए ताकि पता चले कि कोविड है कि नहीं. स्पेशली अगर आपके अगर आप अकेले रहते हैं तो आइसोलेट कर लीजिए, लेकिन अगर आप किसी के साथ रहते हैं तो उनके बचाव के लिए भी जानना जरूरी है कि आपको कोविड है कि नहीं. जी. डॉक्टर अपर्णा, हमसे जुड़ने के लिए, अपनी विशेष राय देने के लिए, हमारे श्रोताओं की जिज्ञासाएं शांत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद. थैंक यू. चलते चलते हम अपने सुनने वालों को बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश भर में अब तक ओमिक्रॉन के 25 रोगियों की पहचान की गई है और इन सभी रोगियों में जो लक्षण हैं वो बहुत ही हल्के हैं. और आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि जो कुल वेरिएंट के 0.04% की जो जांच हुई है और सभी लोग सुरक्षित हैं. बहरहाल आज के संक में बस इतना ही. मुझे यानी नवीन को दें इजाजत. नमस्कार. कोविड 19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा.
जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थीं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।